देखो मैंने यहाँ ना जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वाइल बनाई है। एक्चुअल में इस तरह की क्वाइल हम जनरेटर में भी पढ़ेंगे और मोटर में भी पढ़ेंगे। तो मेरे को लगता है कहते हैं कि जब हम जनरेटर और मोटर में पढ़ने वाले तो उसी चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिस ना कर ले। मैंने यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मार्क कर दिया, ऐसे जा रहा करंट, एरो मार्क है ना करंट के डायरेक्शन, ऐसे करंट। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इस वाली आर्म पे, ए बी आर्म, फॉर आर्म ए बी, जो ये आर्म ए बी है इस पे मुझे करंट का डायरेक्शन पता है, बी से ए, डायरेक्शन ऑफ करंट। बी से ए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है। ये मैग्नेट के दो पोल रखे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है नॉर्थ से साउथ के लिए। अब मुझे ना यहाँ पे इस ए बी में ये चेक करना है कि फोर्स कैसे लगेगा। फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे अपवर्ड, या नीचे की तरफ लगेगा इनवर्ड, ये चेक करना, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, यूज़ करेंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो अपने लेफ्ट हैंड पे, पहले तो सोचो तुम्हारा नाम क्या है, क्या नाम है, यही होना चाहिए। तुम मेल हो या फीमेल हो, नाम तुम्हारा यही होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। सो हु आर यू, आई एम फ्लेमिंग्स, ठीक है, फ्लेमिंग। अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस पे बी लिखा था फिंगर पे, दो तो लीन नहीं ली ना, जिस फिंगर पे बी लिखा था उसे इस डायरेक्शन में पॉइंट करा दो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ से, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। अब इस ए बी वाली साइड पे ना, ए बी पे करंट का डायरेक्शन ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन। अब थंब को खोलो तो थंब किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। देखो अगर हम बात करते हैं इसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, यहाँ देखो नॉर्थ से साउथ दिखा हुआ, ये नॉर्थ से साउथ, ठीक है। करंट बी से ए की तरफ आ रहा है, ये देखो बी से ए है ना। अब देखो तुम्हारा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। तो इस वाले ए बी में, आर्म में जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, अपवर्ड, अपवर्ड कह दो या फिर आउटवर्ड कह दो। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, अपवर्ड और आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, जो हमारा पेपर है नोटबुक का जो पेपर है उसमें ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा है, किस पे, ए बी वाली आर्म। ए बी के लिए क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं किसके लिए, सी डी के लिए, फॉर आर्म सी डी। सी डी के लिए पहले डायरेक्शन ऑफ करंट देखें। देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या, डी से सी, डायरेक्शन ऑफ करंट डी से सी की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ही रहेगा, नॉर्थ से साउथ। अब इसमें लगाते हैं बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब देखते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये सीडी वाली आर्म है, इस सीडी वाली आर्म में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ऐसे है ना, करंट का डायरेक्शन, मेरी फिंगर तो नीचे आ रही है लेकिन इसमें ऊपर जा रहा है, तो मुझे इसे ऐसे घुमाना पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रहेगा, करंट वाली फिंगर इधर आ गई ना, इस तरफ आ गई। अब देखो थंब किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो क्या हो गया, देखो थंब नीचे की तरफ आ रहा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वाली, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, ठीक है। करंट वाली फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो गई, थंब किस तरफ रहा, डाउनवर्ड,
तो बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया, डाउनवर्ड डाउनवर्ड और इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो मुझे अभी बता देना, ये अगर नहीं समझ में आया